न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। महोगंज क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले चुनाव के परिणाम के बाद चुनावी रंजिश का मामला सामने आया। यहां से जीतने वाले प्रत्याशी से बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। आपको बता दें कि महोगंज के विजयी प्रत्याशी अखिलेश शुक्ला, जो कि लौर थाने के रामपुर गाँव से सरपंच पद पर निर्वाचित घोषित किए गए हैं, उन्होंने बताया कि हार से नाराज विपक्षी प्रतिद्वंदी ठाकुर प्रसाद शुक्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया। इतना ही नहीं, कत्ते की नोक पर उनसे 10,000 रुपए भी ले लिए। वहीं मारपीट करने के बाद घर में घुसकर घर की चीजों के साथ भी तोड़फोड़ कर घर को जलाने की भी धमकी दी है। पीड़ित ने बताया कि घटना की शिकायत स्थानीय थाने में भी की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण पीड़ित ने एडिशनल SP अनिल सोनकर से निष्पक्ष जांच और न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने क्या बताया है। भाई क्या नाम है और कहां से आए हैं, क्या शिकायत लेके आए आज? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है, ये मऊगंज जनपद पंचायत के अंदर ग्राम रामपुर आता है। अभी 25 तारीख को हाल ही में पंचायत का चुनाव हुआ, वहां पे मैं 201 वोट से विजयी हुआ हूं। जो हमारे प्रतिद्वंदी रहे, जो हार गए हैं, ठाकुर प्रसाद शुक्ला नाम है, हमारे घर में ही बगल में ही इनका घर है। जब हम शाम को चुनाव रात में जीत गए 11 बजे करीब घोषणा हुई, उसके बाद सुबह ये लोग 7-8 भाई हैं पूरे घर के लोग हमारे घर में पहुंच के मारपीट किए, हमारे साथ घर में तोड़ फोड़ किए, गाली गलौज और पिस्टल वगैरह हमारे यहाँ सर पे तान दिए और हमारे जेब से 10,000 रुपये छीन लिए, सरहंगई किए। इसके बाद पैसे वाले लोग हैं काफ़ी, और मैं देवतलाव थाने में जाके हमारे खिलाफ FIR भी करवा दिए, मुकदमा लगवा दिए। शिकायत इसके थाने में मैं गया था, मेरा आवेदन ले लिया गया और बोले कि जाइए, हमारा वहाँ पे कोई सुनवाई ही नहीं हुई। SP सर से आज मुलाकात हुई, क्या बात है? एडिशनल SP साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है हम निष्पक्ष आपकी जांच करवाएंगे। क्या नाम है आपका? अखिलेश शुक्ला।